खरगोन शहर में 4 दिनों से हो रही आफत की बारिश के चलते गायत्री मंदिर तिराहा और श्री कृष्ण तिराहे से लेकर किला गेट तक लगा कीचड़ व पानी के गड्ढों का अंबार लगा हुआ, जिसके कोई भी जिम्मेदार सुध नहीं ले रहा है। शहर की जनता और व्यापारियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। खरगोन शहर में विकास अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है। शहर के व्यस्ततम मार्ग श्री कृष्ण तिराहे से किला गेट तक जल आवर्धन योजना के नाम पर खुदाई की गई, जिसके बाद नगरीय प्रशासन व ठेकेदारों की लापरवाही के चलते अभी तक रोड नहीं बनाई गई। सराफा बाजार कीचड़ से सना हुआ है, जिसका खामियाजा शहर की जनता और व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। दीपावली का पर्व शुरू हो चुका है, जिसके चलते साज सज्जा से लेकर सराफा दुकानें सज चुकी हैं। इंतजार है बस ग्राहकों का। सराफा व्यापारी का कहना है कि खराब सड़क और कीचड़ की वजह से ग्राहक भी बाजार में आना पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से सराफा बाजार भी ठप पड़ा हुआ है। वहीं रंगोली विक्रेता का भी कहना है कि सड़कों पर कीचड़ होने की वजह से फुटपाथ पर दुकान लगाना पड़ रही है, लेकिन कीचड़ इतना है कि ग्राहक हमारी दुकान तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में काफ़ी नुकसान हो रहा है। अभी तक देखा जाए तो मौसम की मार और ग्राहकों की कमी के चलते काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है। दुकान के सामने 2 दिन से पानी का गड्ढा भरा हुआ है, जिस वजह से 2 दिन से दुकान बंद है। त्योहारों के इस सीजन में दुकान का बंद होना काफ़ी नुकसानदायक है। दुकान के सामने जो गड्ढा भरा हुआ है, उसमें से महिलाओं एवं युवतियों को निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे द्वारा कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को फ़ोन लगाया गया, लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और तो और वार्ड के पार्षद के द्वारा भी नगर पालिका में परेशानी से अवगत कराया गया, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक शहरवासियों को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।